परम शक्तिपीठ ओंकारेश्वर में निराश्रित बच्चों के सुंदर सुखद एवं पारिवारिक पुनर्वास के लिए वात्सल्य ग्राम के रूप में अनूठा सेवा संस्थान स्थापित किया है, जहां दीपावली का पर्व मनाया गया। दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी के पावन मार्गदर्शन में परम शक्तिपीठ द्वारा एक वात्सल्य ग्राम कोठी ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया है। वात्सल्य आश्रम कोठी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ग्रुप ने व यहाँ निसहाय बच्चों के साथ मिठाई और बॉल पेन बांटकर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यकर्ताओं में पूजा यादव, डॉक्टर सावन बिरला और साहिल मंसूरी, नरेन बिरला आदि शामिल थे। दोपहर न्यूज के लिए अशोक शाह की रिपोर्ट। आम समाज के आदिवासी वनवासी क्षेत्र की बेटियाँ और सर्व समाज के गरीब परिवारों से जो माता पिता 3-2 जून की रोटी कमाते हैं लेकिन बच्चियों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हर गरीब से गरीब माँ बाप बेटों को फिर भी पढ़ा लेता है। हम उन बेटियों की व्यवस्था करते हैं जिनके लिए सारी सर्व सुविधा जो एक मीडियम परिवारों में मिलती है वो सारी सुविधा मैं बेटियों को देती हूँ। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और पिछली बार भी मैं आया था वात्सल्य परिवार में। वो वात्सल्य परिवार रियल में मतलब अगर माना जाए तो लोग कहते हैं नर्क और स्वर्ग दो दुनिया होती है, तो स्वर्ग दुनिया मुझे यहीं पर मिली है। मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ अनुभव सीखा है, बच्चों को देखा है और आगे जाके मेरी टीम को, और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं उन बेटियों को सेल्फ डिपेंड सिखाऊँ जो सुरक्षित नहीं है, गाँव की सोचें छोटी हैं, गाँव में जा जाके लोगों को जागरूकता करूँ, क्योंकि एक बार हमारे भारत देश को जागरूकता की ज़रूरत है।